किरण, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गौली पर हमारी विशेष खबर, देखते रहिए हमारे साथ हमारा यह विशेष प्रोग्राम अरुण गौली उर्फ डैडी। कौन है डैडी, कौन है अरुण गौली? अरुण गौली का नाम सामने आते ही पैजामा कुर्ता में गांधी टोपी पहने हुए एक आदमी की परिकल्पना दिमाग में आती है। कौन है अरुण गौली, क्या है अरुण गौली का सच? आखिर एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, भाईखेड़ा दगड़ी चाल में रहने वाला आदमी, कैसे बना मुंबई का डैडी? क्या है डैडी का सच? अरुण गौली 17 जुलाई 1995 में मुंबई के सात रास्ता के भाईखेड़ा में दगड़ी चाल में जन्म हुआ। उनके पिता गुलाबराव कपड़ा मिल में मजदूरी का काम करते थे। अरुण गौली की शादी पूना जिले के वडगांव पाचपीर के रहने वाले मोहम्मद शेख लाल मुजावर उर्फ नानू भाई की बेटी से हुआ। अरुण गौली की मुस्लिम समाज की बेटी से शादी हुई थी। शादी के बाद हिंदू धर्म अपनाकर अरुण गौली की पत्नी का नाम आशा गौली रखा गया, जिसे आज अरुण गौली के चाहने वाले प्यार से उनकी पत्नी को मम्मी बुलाते हैं। अरुण गौली को दो बच्चे हैं, जिनमें से उनके बड़े बेटे का नाम महेश गौली और गीता गौली है। भाईखेड़ा में दगड़ी चाल में रहने वाले अरुण गौली मुंबई के नामी गिरामी अपराधी डॉन है, जिसके चलते मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन में हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती, जबरन वसूली ऐसे अनगिनत मामले इस पर दर्ज है। अरुण गौली को 2004 में अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार के तौर पर मुंबई चीज कोकली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में चुना गया था, और यही इस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त इस डॉन को विधायक बनाना महंगा पड़ा, जिसके चलते आज यह नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहा है। सजा के कार्यकाल में यह अभी शिक्षा की ओर अग्रेसर हो रहा, जिसके चलते अरुण गौली ने गांधी विचार पर लिए गए एग्जाम में अव्वल नंबर हासिल किए, जिसमें इसे 93% अंक हासिल हुए। अरुण गौली का इस्तहान में यह उपलब्ध हासिल करना यानी उसके अंदर का शैतान खत्म हो गया है, और वो अब आम नागरिक की तरह जिंदगी जीने चल पड़ा है। अरुण गौली का यह इम्तिहान उसे अच्छाई की ओर ले जा रहा है। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।